वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स टू चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 पेज नंबर 39 पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। हमको क्या करना है, रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है। हुज लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसमें जिसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, और उसका डायगोनल फाइंड करना है। तो हमको बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या पता है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री राइट एंगल्स। राइट राइट एंगल होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन लिख लेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है आपका, देखिए उसकी यहाँ पर लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ कौन सी है, हम यहाँ पर एक ही ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। आइदर वी विल कंसिडर ए डी सी और ए बी सी। तो यहाँ पर मैंने ए डी सी लिया है। तो यहाँ पर लेंथ डी सी कितना है आपका 35 सेंटीमीटर, और ए डी कितना है, ए डी क्या है आपका, ये हाइट है। तो हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, ए सी आपको फाइंड करना है। ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ये आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल यहाँ पर लिखेंगे। बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री राइट एंगल। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ए डी सी ट्रायंगल में कौन सा एंगल आएगा, क्योंकि ये तो डायगोनल ए को और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो छोड़ दीजिए। अब ये ट्राइंगल में कौन सा एक एंगल राइट एंगल है, तो वो है एंगल डी। तो ए डी सी इज 90 डिग्री, ए डी सी 90 डिग्री है। तो हम अब यहाँ पर देखिए, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके क्या लिख सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर। अब हमको सिर्फ ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, ए डी सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़, ए डी की वैल्यू हमको यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर और डी सी की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर। तो ए डी स्क्वायर 12 स्क्वायर, डी सी स्क्वायर 35 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़ 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 1225। यहाँ पर उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो 12 × 12 कर लीजिए, समझना है तो। और यहाँ पर 35 × 35 और मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए आप, 12 × 12 144 आएगा, 35 × 35 5 × 25 5 × 3 = 15 प्लस यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 35 × 35 5 × 25 2 carry 15 17 3 × 5 = 15 5 × 1 carry 3 × 3 = 9 0 5 × 12 = 1 carry 1 × 1 = 2 1 1 1 2 5 12 का तो पता ईजी है 1 1 4 1 4 4। तो ए सी स्क्वायर क्या आएगा आपका यहाँ पर, अब एडिशन कर लीजिए, एडिशन 1 1 1 4 4 9 6 3 1 1 3 6 9 1 3 6 9 टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ए सी अंडर रूट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 37 का स्क्वायर है, 37 स्क्वायर। और फैक्टर्स लेंगे तो आ जाएगा वो, इसके फैक्टर लेंगे हम 1 3 6 9 के, ये प्राइम फैक्टर है, फिर प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 37 में 37। सो 37 टू 3 जा यहाँ लिखिए 1 3 6 डिवाइडेड बाई 37 37 इंटू 3 कितना आएगा देखिए 21 O2 carry 3 3 3 9 11 1 1 1। सो 1 3 6 में से अगर 1 1 1 जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 5 2 0 25 रहेगा। तो 25 को यहाँ पर
नया नया जाएगा, तो 30 अब यहाँ पर 37 से 37 को हम 37 को 3 से 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 से तो क्या 3 आ गया, तो क्या बचा गया था 25, तो हमने यहाँ पर 9 कैरी किया। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 7 जा 9, 4 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 259 करेक्ट है, तो ये 37 का फैक्टर आ गया 37 1। तो इस तरह आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ए सी इज इक्वल्स टू 37 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, आंसर इस आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमको क्या पूछा था, फाइंड द डायगोनल, डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।